आईपीएल 2021 के सीजन के पार्ट टू की शुरुआत हमें 19 सितंबर से देखने को मिलेगी। 19 सितंबर को एमआई और सीएसके के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल के पार्ट टू का पहला मुकाबला खेला जाएगा। और आईपीएल के पार्ट टू के लिए यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स ने अपना नाम विड्रॉ कर दिया था। उन्हीं प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर अब तक 9 या फिर 10 प्लेयर्स की आईपीएल में रिप्लेसमेंट के तौर पर एंट्री हो चुकी है। कुल मिलाकर 9 या फिर 10 नए प्लेयर्स की अब दुबई आईपीएल के लिए आईपीएल में एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही 5 और प्लेयर्स की अब दुबई आईपीएल के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल में एंट्री कंफर्म हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको उन पांचों प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन सी टीमों ने रिप्लेसमेंट के तौर पर इन पांचों प्लेयर्स को अपनी टीमों में इंक्लूड किया। इसके साथ ही आईपीएल के पार्ट टू के लिए आखिर कौन सी तारीख को ये पांचों प्लेयर्स दुबई पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर आपको इस वीडियो में आईपीएल को लेकर, आईपीएल की रिप्लेसमेंट को लेकर यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आखिर कौन से नए पांच प्लेयर्स की अब दुबई आईपीएल के लिए आईपीएल में एंट्री हो चुकी है और कौन सी तारीख को ये पांचों प्लेयर्स अब दुबई पहुंचेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अब तक कौन से 9-10 प्लेयर्स की आखिर आईपीएल में एंट्री हो चुकी है। तो आप सभी प्लेयर्स के नाम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब तक इन सभी प्लेयर्स की यहाँ पर दुबई आईपीएल के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल में एंट्री हो चुकी है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट जरूर करें कि आपके अकॉर्डिंग इन रिप्लेसमेंट्स में आखिर कौन सी टीम ने सबसे बढ़िया फैसला लिया, जबकि कौन सी टीम ने सबसे बेकार फैसला लिया है। अब बात करते हैं आईपीएल के पार्ट टू के लिए अब कौन से पांच प्लेयर्स की यहाँ पर दुबई आईपीएल में यहाँ पर एंट्री हो सकती है और कौन कौन सी तारीख को ये प्लेयर दुबई पहुंचेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अब भी यहाँ पर जोस बटलर की, बेन स्टोक्स की, इसके साथ ही मॉइसेस हेनरिकेस की रिप्लेसमेंट अनाउंस होना बाकी। इसके साथ ही बांग्लादेशी प्लेयर्स भी अगर आईपीएल से बाहर होते तो शाकिब अल हसन की और मुस्तफिजुर रहमान की भी शायद हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिले। हालांकि बांग्लादेशी प्लेयर्स पर अभी तक कोई भी खबर नहीं, या तो आईपीएल में उपलब्ध भी हो सकते या फिर आईपीएल से ये बाहर भी हो सकते। लेकिन यहाँ पर कंफर्म है कि जोस बटलर की, इसके साथ ही बेन स्टोक्स की, मॉइसेस हेनरिकेस की हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगी इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर या फिर अदर रिप्लेसमेंट के तौर पर। अब भी पांच प्लेयर्स की आईपीएल में एंट्री हो सकती है। अगर हम बात करते हैं उन पांच प्लेयर्स की तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज वेंडर डसन का। दरअसल वेंडर डसन के आईपीएल के पार्ट वन में यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर एंट्री हुई थी, लेकिन इनके वीजा के इशू को लेकर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एनओसी ना मिलने के कारण ये आईपीएल के पार्ट वन का भाग नहीं बन पाए थे। इसी वजह से अब यहाँ पर इनको वीजा भी मिल चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने अब इनको एनओसी भी थमा दिया। तो आईपीएल के पार्ट टू में ये कन्फर्म रूप से राजस्थान रॉयल्स की टीम का भाग बन सकते और रिप्लेसमेंट बनने पर ये 10 सितंबर तक दुबई पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर 10 सितंबर के आसपास ये दुबई पहुंच जाएंगे। तो वेंडर डसन के आईपीएल के पार्ट टू में हमें एंट्री होती हुई दिखेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर की तो दूसरे नंबर पर नाम आता है विंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट का। दरअसल कार्लोस ब्रेथवेट को भी यहाँ पर अपने पिछले कुछ समय के T20 क्रिकेट के प्रदर्शन को देखते हुए अब भी इनको आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर कॉल मिल सकता है, एंट्री मिल सकती है। और अगर इनको एंट्री मिलती है तो सीपीएल के बाद 15 सितंबर को ये सीपीएल के बायोबल से आईपीएल के बायोबल में एंटर कर जाएंगे और डायरेक्टली 15 सितंबर को ये अपने आईपीएल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तीसरे नंबर पर नाम आता है एलेक्स हिल्स का। दरअसल एलेक्स हिल्स को या तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में या फिर किसी अदर टीम में, हो सकता है केकेआर की टीम में इनको जगह मिल जाए, हो सकता है एमआई की टीम में इनको जगह मिल जाए। कुल मिलाकर इनके प्रदर्शन को देखते हुए शायद इनको आईपीएल में जगह मिल सकती है और इनको जगह मिलने पर ये तो 5 या फिर 6 सितंबर को यहाँ पर दुबई पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में कुछ भी ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसी वजह से ये जल्दी दुबई पहुंच जाएंगे। चौथे नंबर पर नाम आता है वेस्टइंडीज के इवन लुइस का। दरअसल इवन लुइस को भी शायद आईपीएल में एंट्री मिल जाए, पिछले कुछ समय के प्रदर्शन के बेसिस पर इनको भी आईपीएल में एंट्री मिल सकती है। अगर इनको एंट्री मिलती है तो ये भी सीपीएल के बाद यहाँ पर विंडीज के बायोबल से 15 सितंबर को आईपीएल के बायोबल में एंटर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इवन लुइस भी शायद आईपीएल का भाग हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवें प्लेयर की तो पांचवें नंबर पर नाम आता है संदीप लामिछाने का। दरअसल आईपीएल के पार्ट टू में यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस होने के कारण अब तक टीमों ने काफी अधिक स्पिन गेंदबाजों को परचेस किया है और संदीप लामिछाने की भी इसी वजह से आईपीएल में एंट्री हो सकती है। हालांकि इनकी भी आईपीएल में एंट्री होती है तो नेपाल का कोई भी क्रिकेट नहीं, इसी वजह से ये भी 5-6 सितंबर को दुबई पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में इन पांचों प्लेयर्स की आईपीएल में कंफर्म एंट्री दिख रही। इन पांच में से एटलीस्ट 3 प्लेयर्स की हमें दुबई आईपीएल के लिए एंट्री देखने को मिली। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन पांचों प्लेयर्स की कौन सी टीम में एंट्री हो सकती है, कौन सी टीम को
आखिर इनके सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।